तो गाइज कैसी हमारी यूट्यूब फैमिली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे खुश होंगे अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे माता रानी सबको खुश रखें सो so गाय जैसे कि कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि माँ भगवती का पूरी रात जागरण हुआ है और जागरण होने के बाद माँ भगवती का प्रसाद यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं तो सुबह के चार बज रहे थे मीना नहा करके आ गई थी तो एक तरफ हमने रख दिया था कुकर में काले चना बॉयल होने के लिए तो काले चना भी हमारे बॉयल हो गए हैं और यहाँ पर बन गए हैं रवे का हलवा तो मीना ने बना दिया है हम थालियों में लगा रहे हैं देसी घी और इसके बाद जो हलवा बना हुआ था उसको थाली में डाल करके और पूरा ऐसे ऐसे करके चारों तरफ उसको कर दिए और इसके बाद एक गरी का भूरा डाल रहे हैं अभी बीस मिनट बाद ना ये हलवा जब जम जाएगा तो इसको चक्कू से काट करके ही ले जाएंगे माँ भगवती का प्रसाद हमारा तैयार हो गया यानी बर्फ़ी वाला प्रसाद और हमारी चाची जी भी नहा करके कर रही थी पूजा तो हम और चाची मीना तीनों लोग लेकर के चल रहे हैं प्रसाद करी का भूरा हम डाल देते हैं और इसके बाद आप लोगों को ना दिखा रहे हैं कि काले चना भी हमारे बॉयल हो गए हैं तो पहले इसको काट भी लेते हैं क्योंकि हलवा हमारा ठंडा हो गया था तो ऐसे ना बर्फ़ी की तरह कतरे के कतरे काट लेंगे तो प्रसाद देने में सही रहता है और यहाँ पर हमारे काले चना भी अच्छे से बॉयल हो गए हैं तो इनको पानी से निकाल लेते हैं इसके बाद चल रहे माँ भगवती के भवन में और आप लोगों को भी सुनाते हैं तारा की कथा तो यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया है आचल में पंचमेवा पंचमेवा के बाद यहाँ पर तारा रानी की कथा भी हो रही है और हमारी देवरानी रुचि ही कथा सुना रही हैं तो आप लोग भी थोड़ी से सुन लीजिए तारा रानी की कथन आप लोगों को थोड़ी सी सुनाए हैं क्योंकि काफ़ी लंबा ब्लॉक हो जाता और माँ भगवती की आरती भी हो गई भोग भी लग गया सब लोगों को प्रसाद दे रहे हैं तो पहले हम कन्याओं के लिए प्रसाद यहाँ पर निकालेंगे तो नौ कन्या है सात कन्या है ग्यारह कन्या जितनी कन्या मिल जाएंगी तो सबको पहले देते हैं प्रसाद टीका लगाने के बाद सुबह का टाइम ना कुछ इतनी जल्दी वाला था कि हमारी देवरानी पुष्पा को इलाहाबाद भी जाना था और बच्चों के टेस्ट वगैरह थे इसीलिए वो नहीं रुक रही थी तो सुबह हमने इतनी जल्दी जल्दी किया कि सबको प्रसाद दिया कन्या पूजन भी हो गया इसके बाद आ गए हैं घर और यहाँ पर सबकी बन गई है तैयारी तो इन लोगों ने चाय वगैरह पी लिया सबको प्रसाद भी खिला दिए हैं अब पहले इन लोगों को भेज जाते हैं इसके बाद हम लोग ना आराम से बैठ कर के खाते हैं प्रसाद इसके बाद पीते हैं चाय और सुबह का टाइम ऐसा रहता है ना कि इतना हड़बड़ी वाला टाइम रहता है कहीं भी हो लखनऊ में हो या अपने ससुराल में हो और कुछ भी कार्यक्रम अगर होता है पूजा पाठ का हो या शादी का हो और जब आते हैं लोग तो बहुत ही अच्छा लगता है यानी अपने लोग आते हैं और जब जाने का टाइम होता है ना तो एकदम से सबका चेहरे में उदासी सी छा जाती है तो यहाँ पर हम मीना काट लेते हैं लौकी क्योंकि हमारे यहाँ ना लौकी ना खेतों में लगी हुई है और लौकी की सब्जी ना हमको बहुत ही पसंद है तो हम बनाएंगे लौकी की सब्जी जैसे हमारे यहाँ ना मायके में बनती है उसी तरह के लौकी की सब्ज़ी बनाएंगे और चूल्हे में ही बनाएंगे तो जब बनाएंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और हम अपने चाची जी से ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें पूछते रहते हैं तो हमारी चाची जी भी हंसती रहती हैं कहती है, हमेशा तुम लोग पूछ पूछ करके बनाते हो अब हमेशा पूछ करके ना बनाया करो खुद ही बनाना सीख जाओ यहाँ पर हमने सब्जी बना लिया है और थोड़ी सी ना जीरा हींग का तड़का दे करके लौकी को डाल दिए थे लौकी को ना पाँच मिनट भूनने के बाद इसमें थोड़ी सी हमने हल्दी भी डाल दिया था भूनते समय नमक डालने के बाद ढक दिए थे हमारी लौकी अच्छे से पक गई है इसके बाद एक ग्रीन वाला मसाला पीस लेते हैं तो जैसे कि लहसुन है हरी मिर्च है और हमारे खेतों में लगी हुई है हरी धनिया तो वो भी हमारी चाची जी ले आई थी तो ये वाली सब्ज़ी जैसे लौकी की बनाओ ना तो धनिया लहसुन मिर्चा पीस करके डाल दो तो ये वाली सब्ज़ी ना इतनी टेस्टी बन जाती है तो वही सब कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने पीस लिया है अपना ग्रीन वाला मसाला और लौकी भी हमारी अच्छे से पक गई थी और चूल्हे में जब ये वाली सब्जी बनाओ ना तो वाह आप उंगलियाँ चाटते रह जाओगे हमारी यूट्यूब फैमिली अगर आप लोग भी गाँव से हो और आपके गाँव में भी लौकी फरती है तो जैसे हमने सब्जी की सब्जी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर किया आप लोग भी ऐसी सब्जी बनाइएगा और हमारी चाची जी बोल रही थी कि शोभा बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी हुई है लौकी की तो यहाँ पर हम मीना भी जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं भोजन और दोनों लोग जल्दी भोजन करते हैं क्योंकि टाइम ना डेढ़ बज गए थे सब लोगों को भोजन कराते कराते और ये हाथ की ना पानी लगा करके के जब रोटी पोते हैं ना तो इतना सौंधापन रहता है शाम के साढ़े चार बज रहे हैं और हम लोग चल रहे हैं माँ भगवती के मंदिर देखते हैं वहाँ से पूरा सामान वगैरह ले के आते हैं जितना भी सुबह का पूजा पाठ का अभी वहीं पर रखा हुआ है तो आप लोगों को मैं भगवती के दर्शन करवाते इतना अच्छा लग रहा है शाम के समय कोई मेरे ऐसे में आ, तो लगा हम तो लोग ना रात की बातें कर रहे हैं रात में ना दो ढाई तीन बजे ना यहाँ मंदिर से और हम लोग ना मकान की तरफ गए थे तो ऐसे लग रहा था जैसे हम चल रहे हैं हमारे पीछे कोई कोई चल रहा है तो कुछ होता है ना जब रात में आप कहीं निकलो ना तो कुछ ऐसे ही होता है और यहाँ पर खुशबू और कशिश भी आ रही पीछे पीछे सुबह हम यहाँ से प्रसाद ले गए थे फल है हलवा चना सब ले करके गए थे लेकिन जो चुन्नी वगैरह हैं और कुछ सुहाग का सामान है तो सब यही माँ भगवती में ही चढ़ा हुआ था और जो जो जलते जलते ना अपने आप ही बुझ गई थी तो ये थाली भी निकाल लेते हैं और ये माँ भगवती में मीना ने चढ़ाया था चुन्नी तो वो भी निकाल लेते हैं और इसके बाद हम लोग जैसे जागरण करवाते हैं ना तो सवा मीटर कपड़ा ज़रूर होना चाहिए तो माँ भगवती में ही नीचे बिछा करके तभी जोत रखी जाती है इसके बाद यहाँ पर ना हैंडपम्प नल भी लग गया है तो बहुत ही अच्छा हो गया पहले ना हम लोगों को पानी ना वहीं अपने मकान के पास से ही लाना पड़ता था तो काफ़ी परेशानी होती थी एक एक बाल्टी पानी लाते थे तब मंदिर की धुलाई करते थे लेकिन अब पास में एकदम से मंदिर के पास में ही नल हो गया है हैंडपम्प तो पानी के लिए बहुत ही आराम हो गया है तो हम मीना को पानी देते जा जा रहे हैं मीना धुलती जा रही हैं और पूरा डेढ़ दो घंटे हमको लग गए थे मंदिर की साफ सफाई में और जब सफाई के कामों में लग जाओ ना तो बस यही होता है कि सफाई करो तो अच्छे से करो नहीं तो ना करो तो यहाँ पर हमने देखा कि माँ भगवती का जो गेट है ये भी काफी हमको गंदा नजर आ रहा था तो एक बार सूखा कपड़ा लिए हैं गीला कपड़ा लिए हैं अच्छे से इसको भी पहुँच देते हैं और इसके बाद जितना भी सामान है वो सब ले लेते हैं फिर यहां से चलते हैं ये सब करने में ना पूरे दो घंटे हमको यहाँ पर लग गए थे जल्दी अपने काम कर लेती इसके बाद चलते हैं घर और यहाँ पर सब बच्चे भी आ गए थे खुशबू आ गई थी कशिश आ गई थी नंद की लड़की तो यहाँ पर पूरा सामान पैक तो माँ भगवती का भवन हम लोगों ने साफ़ कर दिया है हाँ गई इतना सामान हम लोग ले लेते हैं ना जितना भी सामान था पूजा पाठ का सब ले लेते हैं चुन्नी गिरी जा रही है और ये ना माँ भगवती में ही चुन्नी चढ़ी हुई थी तो प्रसाद रूप है हम लोग भी ले सकते हैं तो हम सोच रहे हैं अपनी चाची जी को ही दे देते हैं है? कोई नहीं ले जाएगा रखा रहेंगे जो सामान यहाँ से कोई लेकर करेंगे मिल जाएगा तो चल रहे हैं हाँ थाली ले लो थाली हम ले अच्छा अच्छा तो क्या इस ब्लॉग का एंड भी करेंगे आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा भजन कीर्तन हमारे ये श्यामू स्या, ना रात भर पहरा दिए हैं रात में देखिए जब मैं भगवती का यहाँ पर जागरण हुआ था तो रात भर यहाँ पर पहरा दिए हैं यानी शेर बन करके इन्होंने पहरा किया है जितनी बार ना हम मकान जाते थे रात में उतनी बार ना हम लोगों के साथ साथ ही जाते थे तो वैसे भी ना डॉगी जो होते हैं ना इतने वफादार होते हैं और शाम के ना कितना चू 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 चिड़िया बोल रही क्योंकि क्यों क्यों चारों तरफ ना यहाँ पर यानी बगीचा है यानी घर और खाना बनाने की तैयारी करते हैं देखते हैं हमारे चाची जी क्या खाने बनाती वैसे तो जितनी समय तक हम यहाँ रहते हैं बस यही रहता है कि चाची चलिए चूल्हे में ही खाना बनाते हैं और चूल्हे की सब्जी चूल्हे की रोटी ना हमको बहुत ही पसंद आती है मायके भी जाते हैं तो हम चलो यार अभी ना जाना रुक जाओ पाँच मिनट मिलना है आगे आगे जाए हमने कहा रुक जाओ पाँच मिनट चल रहे हैं तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट वाज में ज़रूर बताएगा कलश का पानी ना कहीं इधर उधर नहीं डालना चाहिए कलश का पानी पहले अपने पूरे मकान में हर एक कोने कोने में डालिए इसके बाद बच्चों के ऊपर छिड़क दीजिए अपने ऊपर छिड़क लीजिए क्योंकि ये माँ भगवती का मेन प्रसाद होता है इसके बाद इसको ना पौधों में ही डालिए तो यहाँ पर हमने अच्छे से छिड़क दिया है थोड़ी से जल को हम ले भी लिए हैं क्योंकि जब लखनऊ जाएंगे तब ले जाएंगे और ये हम शाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज बच्चों का कहना है कि माँ हमको खाना है तहरी तो हम छील रहे हैं आलू मीना काट रही हैं लहसुन और हमारी चाची जी भी बैठ गए हम चाची जी से बोल रहे हैं कि आप ना कुछ करिए दो दो बहुओं के होते हुए आप ना करिए आप भी थोड़ी दिन आराम करिए तो चाची ना हम लोगों के साथ ना आराम से बैठ करके के काम में लग जाती हैं बातें भी करते जाते हैं काम भी करते जा रहे हैं तो यहाँ पर सासू माँ के लिए पहले तल रहे हैं आलू क्योंकि वो भी ना शाम सुबह उनको आलू ज़रूर चाहिए तो यहाँ पर आलू तलने के बाद ना जल्दी बनाते हैं तहड़ी आलू बना देना आलू भी हमारा पक गया था सासू माँ के लिए थोड़ी सी बना ली थी चाय तो उनको पहले दे देते आलू और चाय और हम दोनों लोग लगे हुए हैं तो मीना बनाने जा रहे हैं तहड़ी क्योंकि मीना ना बहुत ही टेस्टी तहड़ी बनाती हैं तो यहाँ पर हम शाम को ना गैस में ही बना लेंगे खाना क्योंकि चूल्हा जलाने में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है वैसे सुबह तो चूल्हे में ही खाना बनाते रहते इस समय ना थोड़ी ठंडी भी है यहाँ पर तो जब चूल्हे में खाना बनाओ ना तो बहुत ही सही रहता है बज रहे हैं और हम भी कटोरी में चाय थोड़ी सी ना चाय रखी थी को ना थोड़ी समय पहले बनी हुई थी और यहाँ पर मीना बना रही तहरी यानी बच्चों को सबका कहना था कि शाम को ना हमको तहरी ही खाना देखे ना बार बार घूंघट करो तो बाल कैसे हो जाते हैं अपने ससुराल में घूंघट करना ना तो अच्छा लगता है और थोड़ी सी ना यहाँ लाइट ना कम ना इसीलिए जल्दी और आज हम शाम को जो चूल्हा नहीं जलाया हमें सुधर तहरी बनाना है तो कौन जलाए फिर तो जल्दी बना बनाने के फिर की आवाज़ें आप लोग मीना ने बहुत ही टेस्टी करें बनाती है आलू भी हमारा रेड वाला अच्छे से पक गया है तो जल्दी पहले सासूमा को दे आते हैं और इधर आलू मीना भून रही हैं और चावल भी हमने धुल लिया है और ज़्यादा मसाले वाली तहरी नहीं बनाएंगे एकदम से सिंपल तरीके वाली तहरी बनाएंगे क्योंकि ज़्यादा मसाले वाली बना देंगे ना तो बच्चे फिर नहीं खाएंगे और छोटे छोटे डिब्बे ना हमारे किचन में रखे हुए तो इनको भी हम अच्छे से पहुँच करके किचन में सेट करते जा रहे हैं और जितने बस मसाला है मीना को देते जा रहे हैं और हम सोचते हैं ना किचन मैसी मैसी ना हो जितना सामान जहाँ से जो डिब्बे निकालो वहीं पर रखते जा रहे हैं और ये शाम का टाइम ना कुछ ऐसा होता है ना कि सब लोगों के पास जब बैठ जाओ ना तो टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता है और हमको ना अपने ससुराल में बहुत ही अच्छा लगता है देखिए शाम के ना आंगन में कितना अच्छा लग रहा है एकदम से हमारा आंगन ना हरा भरा सा दिख रहा है तो यहाँ पर हम लोगों की ना तहरी भी बन करके तैयार हो गई है तो जल्दी सब लोगों के लिए पहले निकाल देते हैं सुबह जो आप लोग भी आ जाइए और सासू माँ के लिए बना दिए थे रोटी और आलू तो तला हुआ ही था तो सासू माँ भी रात का डिनर कर रही हैं और इसके बाद ना सबको भोजन करा दिए हम लोग भी निकाल लेते हैं तहड़ी और जितने बर्तन इनको भी सब खाली कर लेते हैं और हम हमारी शुरू से ना यही आदत थी लखनऊ में रहें या मायके में रहें या ससुराल में रहें मायके में तो वैसे वाले काम नहीं करना पड़ता सब भाभी लोग ही कर लेती हैं कि गरम गरम बर्तन साफ़ करके रख दो तो ज़्यादा ही सही बर्तन हमने खाली करके पानी डाल करके रख दिए किचन भी अपनी अच्छे से क्लीन कर लेते हैं और हम देवरानी जेठानी ना आपस में बातें भी करते जा रहे हैं अपने काम भी करते जा रहे हैं और ये रात का टाइम ना कुछ ऐसा होता है ना कि आराम से जितने काम कर लो सही रहता है नहीं हमारे आंगन में ना सुबह से ना इतने मतलब काफ़ी बड़ा आंगन है ना तो सुबह से काफ़ी ठंडी भी रहती है तो वैसे भी ना बिस्तर में लेटे रहते हैं लेकिन जल्दी नहीं उठते हैं कभी साढ़े पाँच बज जाते हैं कभी छः बज जाते हैं तो ससुराल में भी हम लोगों की ना यहाँ पर मौज मस्ती चल रही है तो बर्तन हमने साफ़ करके रख दिया और यहाँ नीचे किचन में ना पोछा लगा लेते हैं और किचन को रात में अगर सही से क्लीन करके सोना तो सही रहता है क्योंकि कहते हैं बड़े पहले कहते थे कि रात में भगवान जी का आना जाना रहता है किचन में तो हमेशा किचन को क्लीन करके ही सोना चाहिए तो पोछा लगाने के बाद अब हम चल रहे हैं पहले हाथ पैर अच्छे से साफ करेंगे इसके बाद अपना बिस्तर लेंगे सो गाइस इस ब्लॉग का एंड भी करेंगे ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए सब्सक्राइब करिए शेयर करिए ऐसे ही प्यार देते रहे जय माता दी